शनिवार को मेट्रो में घटी दुर्घटना में वृद्ध की दर्दनाक मौत के बाद जांच करने कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी अपनी टीम के साथ पार्क स्ट्रीट मेट्रो पहुंचे। यहां उन्होंने घटना का पूरा जायजा लिया, साथ ही टॉलीगंज स्टेशन जाकर उस रैक की भी जांच की जिसमें यह वारदात घटी थी। उनके साथ मेट्रो रेलवे के आला अधिकारी भी मौजूद थे। रेलवे बोर्ड की ओर से जल्द ही एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अभी इसकी इंक्वायरी स्टार्ट हुई है, तो पहले पार्क स्ट्रीट पे स्टेशन देखने गए हैं, अभी कोच देखने गए हैं, अब डिपो में जाएंगे। इसमें टाइम लगेगा, पूरा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, डिटेल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो उसको टाइम लगेगा। डिटेल इन्वेस्टिगेशन सारे एंगल देखने पड़ते हैं इसमें, ठीक है ना? राइट सर, अभी रेक में आप लोग क्या क्या चेक किया सर, थोड़ा सा बता दीजिए क्या क्या चेक? रेक में पूरा सिस्टम, रेक का क्या टेक्निकल फीचर है, क्या सेफ्टी फीचर्स हैं, वो सब चीज़ देखी है इसके, और डिटेल में इसके पेपर्स आएंगे हमारे पास में, उसको स्टडी की जाएगी इसके। हाँ, पूछताछ भी स्टार्ट होगी, अभी तो ये साइट विजिट है, उसके बाद में प्रॉपर इंक्वायरी होगी जिसमें पूछताछ जो भी रिलेवेंट इससे स्टाफ कनेक्टेड है सबसे पूछताछ की जाएगी इसके बारे में। ये सब डिटेल में इन्वेस्टिगेशन होगा, इन सब चीज़ों का डिटेल में टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन भी होगा। अभी डिटेल इन्वेस्टिगेशन होने दो, उसके बाद में डिसाइड करेंगे क्या इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम निकलती है रेक में, उसके बाद में डिसीजन होगा इसका। हादसे के बाद जाँच की प्रक्रिया अभी जारी है, अब देखने वाली बात यह है कि जांच का नतीजा क्या होता है और मेट्रो के अधिकारी जांच के बाद किस नतीजे पर पहुंचते हैं। कैमरा पत्ते के साथ संदीप तिवारी, सनमार्ग, कोलकाता।